मैंने टाइम नहीं देखा, 11:30 हो गए हैं, ब्रेकफास्ट बंद हो गया हुआ है। दूसरी जगह भी ट्राई करेंगे। वैसे तो मुझे चिकफिले का पसंद है, चिकफिले से ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल से अभी सुबह के 10 बजे हुए थे मगर 11:30 हो गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। आज का वीडियो ये है कि हम अभी निकले हैं घर से, ब्रेकफास्ट लेंगे यहाँ से, लेने के बाद हमारे इधर एक थोड़ा सा दूर पिकनिक स्पॉट है और वहाँ पे जाएंगे थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल के और आपको दिखाएंगे, साथ साथ आपको विज़िट कराएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। एटलीस्ट 25-30 मिनट्स ड्राइव किया मैंने यहाँ पे आने के लिए और ये वाशिंगटन डीसी की अदर साइड और यू कैन से अलेक्जेंड्रिया एंड वाशिंगटन डीसी का बॉर्डर है। एक साइड पे वाशिंगटन डीसी है और दूसरी साइड पे अलेक्जेंड्रिया है और ये सारी बोट्स वगैरह यहाँ पे लोग अपनी लाते हैं, खड़ी करते हैं और बोट राइड्स करते हैं यहाँ पे। बेसिकली समर में ये बिजी प्लेस होता है, आजकल तो है को इतना COVID-19 की वजह से रश नहीं है। यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं लोग और बोट को लेके जाने के लिए उन्होंने दूसरी साइड पे एक एंट्रेंस बनाई होती है, वहाँ से आप अपनी बोट्स को पानी के अंदर लोड करके तो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं, फिर यहाँ से आप वॉक करके जाते हैं अपनी बोट्स वगैरह में। ओके जी, अब हम वॉक करके इस तरफ जा रहे हैं रिवर की साइड पे। ये बे टाइप बनाया हुआ इन्होंने, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बाहर बैठने के लिए लोगों के डेक बनाया हुआ है, साइड पे छोटी सी कैंटीन और रेस्टोरेंट भी है और ये सारा यहाँ पे ये जो रिवर नज़र आ रहा है उसकी अदर साइड पे आपको नज़र आएगा वाशिंगटन डीसी भी है और दिस साइड पे सारी बोट्स खड़ी की हुई हैं लोगों ने अपनी। तो ये यहाँ से ये जो है ये रेस्टोरेंट है, आजकल तो हर बंद है COVID-19 की वजह से और ये कैंटीन खुली हुई है, यहाँ पे लोग बाहर बैठते हैं। वो रिवर की दूसरी साइड पे जो नज़र आ रहा है वो एयरपोर्ट है, जहाज़ भी नज़र आ रहे हैं, एरोप्लेन वगैरह, और ये सामने में भी आपको नज़र आ रहा हो कैपिटल बिल्डिंग है जो वाशिंगटन डीसी की। सारा यहाँ से वॉक करके आप बोट्स के पास जा सकते हैं मगर ये सारा मेरे ख्याल से इन्होंने बंद किया हुआ है, यहाँ जो जिनकी बोट्स वगैरह हैं उनके पास शायद की होती है या कोई परमिशन के लिए कोई कार्ड वगैरह होता है एंट्री कार्ड, वही अंदर जा सकते हैं अपनी बोट्स के पास। तो ये बंदा बैठा हुआ है मेरे ख्याल से ये मछलियाँ पकड़ रहा है। हाँ दूसरी साइड पे जाएंगे ना, प्लेन भी लैंड करते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं खड़े होके प्लेन्स वगैरह लैंड करते हुए। ओके, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बोट्स ही बोट्स हैं, सारी खड़ी हैं। आजकल कोई इतना आज स्पेशली टुडे इट्स क्लाउडी डे सो आई डोंट थिंक पीपल आए होंगे यहाँ पे इतने ज़्यादा अपनी बोट्स की राइड करने के लिए, बट ये है कि नॉर्मली सनी डे में या समर में बहुत ज़्यादा बोट राइडिंग होती है और बहुत बिजी होता है ये प्लेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। आप बोट्स के देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खड़ी हैं और कितने मतलब
लोग हैं जो बोट राइडिंग करते हैं यहाँ पे, कोई तो बीच में से बहुत बहुत महंगी हैं और कोई रीज़नेबल प्राइसेस की भी होती हैं। मोस्टली बोट्स जो है ना महंगी ही होंगी आई थिंक। प्यारे कलरों की डॉक्स हैं ये, पानी में जाने क्या वेट कर रही हैं। We're not going inside. We're just looking the boats. How big the boats are. Look. See? Those look like bananas. Colorful bananas. Look at that. Got sari har taraf boats hi boats hain khadi. रिपेयर करने के लिए बाहर निकाली हुई है मेरे ख्याल से, नीचे से इनको रिपेयर करते होंगे वाटर प्रूफिंग के लिए मेरे, दैट्स व्हाट आई थिंक। और ये जो है ये डेक, यहाँ पे आप अपनी बोट लगाती हैं साथ और बोट के अंदर बैठते हैं और चले जाते हैं अंदर। अच्छा ये डेक है तो पानी के ऊपर इसको खड़ा किया हुआ, इतना मूव कर रहा है, इसके ऊपर मैं वॉक करने आया हूँ अंदर तक जाने के लिए। YouTube की वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है लोगों को, जस्ट किडिंग, अगर ना अभी बना रहा था तो मैं आता यहाँ देखने आगे कि ये कैसी खूबसूरती है। सुकून वाली जगह देखिए, वो बंदा भी यहाँ पे सुकून कर आराम से लेटा हुआ है। वो सामने एरोप्लेन, यहाँ से सारे जहाज़ जो है लैंड करते हैं टेक ऑफ करने के लिए, अगर देखना है तो उसकी दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। सामने में भी यू कैन सी के जहाज़ अपनी लाइन में खड़े हैं टेक ऑफ करने के लिए। और ये दिस साइड इज सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, हाउ ब्यूटीफुल, इतनी सुकून वाली जगह है ना कि यहाँ पे आके आराम से बंदा बैठ जाए थोड़ी देर के लिए आराम करे, जैसा कि ये दोनों खड़े आराम से। Hi. Hi.
इतनी अच्छी जगह है, मेरे बच्चे कह रहे थे वहाँ पे आप क्यों लेट गए, वो डर रहे थे कि मैं पानी में गिर ना जाऊँ। ओह माय गॉड, सो गुड। जहाज आ रहा है कहीं से, वो पीछे से। Boats and cats कहते हैं। ओके जी, ये छोटी सी ओवरलुक बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, आप गाड़ी खड़ी करके थोड़ी देर रुक सकते हैं और देख सकते हैं आपकी ये वही जिस रास्ते पे मैं गाड़ी चला रहा था। ग्रीन ही ग्रीन है बस यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लगता है ये। अभी साथ ही उन्होंने नीचे देखने के लिए ये व्यू बनाया हुआ है, आप यहाँ से खड़े होकर नीचे देख सकते हैं। नीचे भी लेक्स है, वो रिवर है बेसिकली, पोटामिक रिवर है जो सारा यहाँ से गुजर के जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा इसका लेवल लो हो जाता है और खूबसूरत लगता है। नीचे बोट्स वगैरह भी रखी हुई हैं इन्होंने। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और कमेंट्स में आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी बेस्ट बना के दिखा सकूं। मेरी सेल्फिश टिक नज़र आ रही है। ओके गाइस, हम 495 हाईवे है ये जो हमारे घर की तरफ जाएगा। पहले मैं अंदर वाली साइड से गया था, मैं हाईवे के ऊपर से जा रहा हूँ आपको सीन चेक करवाने के लिए। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़। Planets.